बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बांग्ला आवास योजना, पीएमजी ओसाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना, हमारी यशस्वी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल से जल, जल जीवन मिशन, उसका नाम बंगाल की बुआ भतीजा की सरकार चेंज करके जल सपनों बना दिया। बंगाल में 72 लाख लैट्रिन बनाया मोदी जी का सरकार, वो लैट्रिन उसका नाम स्वच्छ भारत मिशन का नाम बदल के मिशन निर्मल बंगला बना दिया स्टिकर गवर्नमेंट ने। ये बंगाल गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है, रोज मिनिस्टर लोग जेल में जा रहा है, 60,000 के करीब करीब रिक्रूटमेंट का बिग स्कैम सामने आया है, जुडिशियरी का इंटरफेरेंस हुआ है, जुडिशियरी का इंटरफेरेंस के बाद बंगाल में एजेंसी जांच में काम कर रहा है, पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट अंदर में है। हमारी जो देश का हमारी देश का रिसोर्सेस है जिनको प्रकृति मां ने दिया है, कोल से लेकर आयरन ओर से लेकर सैंड से लेकर सब बंगाल में खत्म कर दिया ये बुआ भतीजा का सरकार और अपने रैकेट ने। ये भ्रष्टाचारी सरकार बंगाल में इंडस्ट्री पॉलिसी फेल किया, नो बिग इंडस्ट्री लास्ट 12 ईयर, नॉट ए सिंगल एयरपोर्ट, नॉट ए सिंगल एयरपोर्ट आफ्टर कलकत्ता एंड बागडोगरा, नॉट ए सिंगल एयरपोर्ट एटीएमसी का 12 साल का रिजिम में नहीं हुआ, नॉट ए सिंगल सीपोर्ट, जमीन नहीं मिल रहा है, नॉर्थ मंगल में एम्स नहीं हो रहा है, रेल प्रोजेक्ट ठप हुआ है, रेल प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन वो जमीन सरकार को देना पड़ता है बंगाल सरकार नहीं कर रहा है। मेरा पास ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का लेटर का कॉपी है, कलकत्ता का बगल में एक एडिशनल एयरपोर्ट के लिए उन्होंने जमीन का डिमांड किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया। बंगाल में अभी जो चल रहा है 500 रुपीज का टोल और सस्ते लिकर 28 रुपीज में पाउच में कंट्री स्पीड मिलता है, और डीआर लॉटरी मार्टिन लॉटरी हर प्रांत में। बंगाल का हालत जंगल राज से भी खराब है, इसलिए ममता जी का गवर्नमेंट सीधा सीधा राजनीति करने के लिए रामनवमी का दिन, देश का त्योहार का दिन, रमजान का महीने में इस तरीके से आंदोलन करके एजेंसी को डराने का काम, जुडिशियरी को प्रेशर देने का काम और करप्शन का भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना अच्छा मुद्दा है उसको, उसे जनता का धन दूसरा तरफ ले जाने के लिए ये अनडेमोक्रेटिक ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। भाजपा ने इसका जोरदार विरोध करेगा। बंगाल में पिछले 15 दिन में 4 फार्मर्स ने सुइसाइड किया, पोटेटो फार्मर्स ने। कल हमारी बंगाल प्रदेश की किसान मोर्चा ने कलकत्ता में फार्मर्स को लेकर किसान रैली का ऑर्गेनाइज किया है। 29 को बंगाल की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ
हम लोग का धरना प्रदर्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू के सामने, और 30 को हम लोग सब रामनवमी का महापर्व अच्छे तरीके से बंगाल में सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करेगा। सभी बंगाल की जनता ने ये रिलीजियस और सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन का जो रामनवमी का प्रोग्राम होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा।